हेलो एवरीवन, दिस साइड योर फ्रेंड राहुल भादुड़ी प्रेजेंट विद न्यू एंड अदर कार लीक्स। लेट्स गेट स्टार्टेड, बट फर्स्ट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो गाइस, ये वीडियो है बिग डैडी ऑफ एसयूवी के ऊपर, स्कॉर्पियो एन। ये एक गाड़ी नहीं है, ये एक फील है, एक जुनून है। फिर चाहे वो यूथ हो या पॉलिटिक्स हो या आर्मी हो या फिर डोंट टाइप बंदे हो, आप किसी भी कैटेगरी के बंदे ले लो, सबको स्कॉर्पियो पसंद है। फिर चाहे वो कोई जवान लड़का हो या कोई एजेड बंदा हो, चाहे कोई पॉलिटिक्स कितना बड़ा नेता विधायक हो, सबके पास आपको स्कॉर्पियो मिलेगी मिलेगी। और ये रुतवा, ये लेवल स्कॉर्पियो का एकदम से नहीं बना है। फर्स्ट टाइम जो स्कॉर्पियो फर्स्ट जनरेशन थी वो जून 2002 में लॉन्च हुई थी, और उसके बाद आज तक स्कॉर्पियो लोगों के दिलों पर राज करते आई है। तो आज हम इस वीडियो फुल डिटेल में जाके बात करेंगे स्कॉर्पियो एन के बारे में। मैं आपको फुल डिटेल बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटीरियर के बारे में। जो स्कॉर्पियो एन का एक्सटीरियर है, ये गाड़ी को एक प्रीमियम सेगमेंट में लेके चला जाता है। मतलब गाड़ी इतनी प्रीमियम बनाई है, ये वो स्कॉर्पियो लग रही जो स्कॉर्पियो हुआ करती थी, चाहे वो इंटीरियर से हो चाहे वो एक्सटीरियर से हो। पहले वाली स्कॉर्पियो काफी अच्छी हुआ करती थी, बट जो इस बार स्कॉर्पियो आई है ये एक नॉर्मल गाड़ी लग रही है। मतलब इतनी ऊंचे लेवल की गाड़ी लग रही है, ऐसा लग रहा है गाड़ी 30-40 लाख के आसपास हो। बट इस गाड़ी के प्राइस आपको लास्ट बताऊँ, प्राइस की तरह कमाल कर रखे महिंद्रा ने। मतलब इस प्राइस के अंदर आपको इतनी प्रीमियम गाड़ी मिलना इम्पॉसिबल था यार, लेकिन महिंद्रा ने कर दिखाया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्कॉर्पियो एन के हेडलैम्प्स को लेके। तो इसके अंदर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं, और उनकी क्वालिटी मतलब इतनी कमाल की, जो डिजाइन इतना प्यारा दिया है, मतलब एक बार देखते ही बंदा फैन हो जाए। ऐसे हेडलैम्प्स दिए गए स्कॉर्पियो एन के अंदर। इसके अंदर आपको लो बीम प्रोजेक्टर हेडलाइट मिलती है और हाई बीम एलईडी लाइट मिलती है, और जो उसके फोग लैंप वो भी आपको एलईडी में मिलेगा। मतलब पूरी गाड़ी के जो लाइटों का सिस्टम पूरा एलईडी में दिया गया है, कहीं भी आपको हैलोजन बेस वगैरह नहीं मिलेगा, आपको पूरी प्रॉपर एलईडी लाइट्स मिलेगी। जो इसके साइड के इंडिकेटर है ORVM, उसमें भी आपको इंडिकेटर जो मिलेगा वो एलईडी में मिलेगा। और स्कॉर्पियो एन के अंदर बिग साइज की रूफ रेल्स मिलती है, और साथ में आपको बिग साइज की सनरूफ मिलती है, क्योंकि इसके अंदर सनरूफ पैरानोमिक तो है नहीं, बट जो सनरूफ है वो काफी बिग साइज की है, उसमें आप इजीली खड़े हो सकते हो। स्कॉर्पियो के अंदर आपको साफ एंटीना मिलता है, और रियर में जो टेल लाइट्स है वो भी आपको फुल्ली एलईडी मिलती है, उसमें कहीं भी आपको हैलोजन काम नहीं मिलेगा, उसमें पूरा एलईडी प्रॉपर एलईडी काम है। और जो स्कॉर्पियो एन की टेल लाइट्स है, ये आपको वोल्वो की कार से इंस्पायर मिलेगी। मतलब एक बात तो माननी पड़ेगी, जो महिंद्रा ने अपनी स्कॉर्पियो बनाई है ये किसी किसी गाड़ी से इंस्पायर होकर बनाई है। जो गाड़ी का एक्सटीरियर है ना, इसमें आपको MG ग्लोस्टर से भी लुक आते हैं। साइड से देखोगे तो आपको MG ग्लोस्टर लगेगी, आप फ्रंट से देखोगे तो आपको लैंड क्रूजर भी लगेगी, और जो उसका इंटीरियर है वो भी आपको लैंड क्रूजर से सिमिलर मिलने वाला है। मतलब जो उसका इंटीरियर है वो कहीं ना कहीं आपको लैंड क्रूजर से सिमिलर मिलेगा। मतलब महिंद्रा की जो स्कॉर्पियो एन है ये 2-3 गाड़ी से इंस्पायर है। और रियर में आपको स्कॉर्पियो एन की बैजिंग मिलती है, जो काफी प्रीमियम फील देती है गाड़ी के अंदर। मतलब रियर से लुक देख लो, चाहे फ्रंट से लुक देख लो, चाहे साइड से लुक देख लो, स्कॉर्पियो एक पैकेज मिलता है, ऐसा धमाका मिलता है। मतलब गाड़ी एक अलग लेवल की मिलती है। वो वाली बात रही नहीं कि पुरानी स्कॉर्पियो आया करती थी जो बदनाम थी सिर्फ रफ एंड टफ के लिए, वो वाली फील तो है नहीं। मतलब गाड़ी का कम्फर्ट एक नेक्स्ट लेवल बढ़ा दिया गया, गाड़ी इतनी कमाल की दी है महिंद्रा ने। और अगर हम बात करें व्हील्स की, तो स्कॉर्पियो एन के जो व्हील्स है वो आपको मैनुअल मिलेंगे 70 इंच के, और अगर आप ऑटोमेटिक वेरिएंट लेते हो तो आपको 80 इंच के मिलेंगे। और स्कॉर्पियो एन के फ्रंट में भी आपको कैमरा देखने को मिलता है, उस कैमरे की वजह से आपको पार्किंग करने में काफी इजी रहेगा। अब बात कर लेते हैं इंटीरियर की। तो सबसे पहले आपको एक बात बोल दूं, जो स्कॉर्पियो एन का इंटीरियर है काफी प्रीमियम इंटीरियर लग रहा है। मतलब एक नॉर्मल गाड़ी नहीं लग रही, काफी अच्छी रेंज की, मतलब स्कॉर्पियो एन एकदम लग्जरी फील दे रही है। स्कॉर्पियो एन में आपको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग मिलता है, और आपको वॉइस कंट्रोल मिलता है, साथ में क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। तो स्कॉर्पियो एन के अंदर आपको फीचर्स की कमी नहीं मिलेगी, एक से एक बढ़कर फीचर आपको मिलेगा इसके अंदर। एडिनोक्स से आप कार स्टार्ट और स्टॉप भी कर सकते हो, कूलिंग और हीट भी कर सकते हो। एडिनोक्स के साथ और भी आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। इसके अंदर आपको 8 इंच की डिस्प्ले मिलती है, डिस्प्ले थोड़ी छोटी है मुझे लगता है, स्कॉर्पियो को डिस्प्ले थोड़ी बढ़ देनी चाहिए थी, कम से कम 10 इंच के आसपास देनी देनी चाहिए थी, बट जो भी चलो ठीक है, 8 इंच की डिस्प्ले भी अच्छी लग रही है। और इंटीरियर में आपको जगह जगह सॉफ्ट टच मिलेगा लेदर फिनिश में। तो जो स्कॉर्पियो एन का इंटीरियर है काफी प्रीमियम है, गाड़ी के अंदर बैठ के आपको फील नहीं होगा कि आप एक 20-25 लाख कस्ट की गाड़ी में बैठे हो। मतलब महिंद्रा ने स्कॉर्पियो एन के अंदर प्रीमियमनेस डालने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी, फिर चाहे वो इंटीरियर हो या एक्सटीरियर हो। और स्कॉर्पियो एन के अंदर आपको 4x4 का मोड मिलता है, आपको अलग अलग कंडीशन सिचुएशन में गाड़ी चलाने के 4 ऑप्शन मिलेंगे। ये जो 4 मोड है ये फर्स्ट इन सेगमेंट है, अभी तक SUV सेगमेंट के अंदर आपको डिफरेंट मोड नहीं मिलते थे। स्कॉर्पियो एन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मिलता है, आपको 6 एयरबैग मिलते हैं, और मिड मॉडल से आपको सनरूफ मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आप सोनी के 12 स्पीकर चाहिए तो आपको 2
मॉडल लेना पड़ेगा। टॉप मॉडल के अंदर ही सोनू के आपको 12 स्पीकर मिलेंगे और उनके जो साउंड की क्वालिटी वो बड़ी कमाल की है। स्कॉर्पियो एन के अंदर आपको 3D साउंड भी मिलेगा। स्कॉर्पियो एन फर्स्ट सेगमेंट है जिसमें आपको एलेक्सा विद वर्ड 3 वर्ड्स मिलते हैं जिससे आप काफी अच्छी नेविगेशन कर पाओगे। स्कॉर्पियो एन के अंदर आपको डिजिटल मीटर नहीं मिलता बट मिड में आपको एक डिस्प्ले मिलती है जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो भी गाड़ी से रिलेटेड होगी। और महिंद्रा ने स्कॉर्पियो लॉन्च के टाइम पे काफी सारी गाड़ियों से कंपैरिजन किया और उन गाड़ियों को लेने के लिए काफी अच्छा मोटा प्रीमियम पे करना पड़ता है। उन गाड़ियों से महिंद्रा ने स्कॉर्पियो को कंपैरिजन कर दिया। सबसे पहले जो कंपैरिजन किया है वो किया है TF से। TF मतलब टोयोटा फॉर्च्यूनर। तो महिंद्रा क्या ना, ये अगर आप फॉर्च्यूनर का बेस मॉडल भी लोगे वो भी आपको 35-40 लाख का मिलेगा, लेकिन हमारी आपको 17-18 लाख की गाड़ी के अंदर आपको सेम वो फीचर मिलेगी और बल्कि फॉर्च्यूनर ज्यादा ही अच्छे फीचर मिल जाएगी। जो फॉर्च्यूनर के अंदर आपको फीचर नहीं मिलते वो आपको स्कॉर्पियो एन के अंदर मिलेंगे। काफी तगड़े तगड़े बेइज्जती करी है महिंद्रा ने अपने इवेंट के अंदर। फॉर्च्यूनर के बाद महिंद्रा ने टारगेट बनाया TC को। TC मतलब टोयोटा इनोवा क्रिस्टल। महिंद्रा ने इनोवा क्रिस्टल को 25 लाख के आसपास की गाड़ी बताया और अपने इन्होंने 15 लाख की गाड़ी बता के कंपेरिजन किया है कि हमारी गाड़ी 15 लाख के अंदर इससे बेस्ट फीचर देगी आपको इनोवा से। उसके बाद महिंद्रा ने अपनी इंडिया की कंपनी को भी खेल लिया जो कि टाटा सफारी। तो TS लिख के महिंद्रा ने आगे कंपेरिजन करना स्टार्ट किया। जो टाटा सफारी है वो आपको 25-26 लाख के आसपास मिलती है और स्कॉर्पियो आपको 18 लाख के अंदर वो सारे फीचर देती है, बल्कि उससे भी अच्छे फीचर मिल जाता है आपको स्कॉर्पियो एन के अंदर। तो प्राइस कंपेरिजन काफी कमाल किया है महिंद्रा ने। जो महिंद्रा ने प्राइस रखे काफी कमाल के रखे। प्राइस आपको पता होगा, फिर मैं एक बार इस वीडियो में रिपीट करता हूँ, 11,99,000 मतलब 12 लाख से स्कॉर्पियो स्टार्ट है और 22-23 लाख के आसपास जाती है। मतलब 20 लाख के अंदर आपको इतनी कमाल की प्रीमियम SUV मिलती है जो सच में एक नेक्स्ट लेवल की SUV है। मतलब स्कॉर्पियो का जो लेवल है, जो स्कॉर्पियो की रुतवा है, वो सब आप जानते हो, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। स्कॉर्पियो क्या गाड़ी है और उसके अंदर आपको क्या कुछ देखने को मिलता है किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सबको पता है स्कॉर्पियो कितनी कमाल की गाड़ी है। और स्कॉर्पियो एन की टेस्ट ड्राइव 5 जुलाई से स्टार्ट होगी और अगर आप 4X4 और ऑटोमेटिक एंड 6 सीटर वर्जन का वेट कर रहे हो प्राइस अनवील होने का, तो आपको 21 जुलाई तक वेट करना पड़ेगा। 21 जुलाई को महिंद्रा अपने 4X4 वर्जन के, ऑटोमेटिक वर्जन के और 6 सीटर वर्जन के प्राइस अनवील करेगा। और 30 जुलाई से आप बिग डैडी ऑफ SUV स्कॉर्पियो एन को ऑफिशियली बुक करा सकते हो। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और गाइस एक बात और कहना चाहूंगा लास्ट में, अगर आप बाइक चलाते हो तो हेलमेट लगाना ना भूलना और अगर आप कार चलाते हो तो आप सीट बेल्ट लगाना ना भूलना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल होगी। जस्ट नीड योर सपोर्ट। जाने से पहले सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाना ना भूलना। तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना ताकि जब भी मेरे को वीडियो आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए।